Hello friends, once again welcome back to my video, welcome back to my channel Computing with Anna. So friends, आज की ये video है हमारे chapter 5 formatting in word की last day with lot of exercises. So ये आज आपका एक टाइप का टेस्ट है क्योंकि इसे and हाँ इसे honestly करना just because इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है. एंड यस प्लीज ऑनेस्टली देना और मार्क्स वगैरह का कुछ नहीं है, बस जो आपके गलत होंगे मैं उन्हें पर ईजी करवा दूंगी. सो उसमें आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. सो वीडियो प्रेस करो, लेट्स गेट स्टार्टेड. यस एक्सरसाइज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. टी या एफ लिखना है जो भी आपका आंसर आएगा क्वेश्चन में. फर्स्ट है फॉर्मेटिंग मीन्स मॉडिफाइंग द टेक्स्ट. क्या फॉर्मेटिंग का मतलब डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना होता है. सेकेंड बोल्ड मीन्स अ लाइन अंडर द टेक्स्ट. बोल्ड का मतलब हमारे जो टेक्स्ट के अंडर लाइन होती है वो रहता है. थर्ड साइज ऑफ द टेक्स्ट कैन नॉट बी चेंज. हम अपने टेक्स्ट का साइज चेंज नहीं कर सकते. सो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. सो एंड जब आप आंसर्स लिख दोगे क्योंकि तीन ही क्वेश्चन है उसके बाद एंटर कर देना एंड हेडिंग डाल देना एंड इसे एग्जाम की तरह अपना समझना. क्वेश्चन नंबर एंड ऑल थिंग्स शुड बी दिल्ली. ये मैंने आज तक के मतलब प्रीवियस 4 चैप्टर्स में तो नहीं करा बट इस बार कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट टू सी कि मेरा कितना हेल्पफुल है, मतलब मैं कितनी हेल्पफुल हुई आपके लिए एज ए ट्यूटर आई एम सीइंग. सो प्लीज डू इट ऑनेस्टली एंड आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स टू आंसर. सो प्लीज राइट एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ. Five seconds gone and done. Hope आप सब ने honestly दिया हो, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाया. So let's see the answers. First, true. Yes, formatting का मतलब document को modify करना भी होता है. Second, false. बोल्ड का मतलब हमारे टेक्स्ट के अंडर जो हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं वो नहीं होता, वो अंडर लाइन के अंडर आता है. थर्ड फॉल्स. हम अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं. अब वो कैसे करते हैं ये आपको भैया वीडियो में जाकर ही देखना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर्स. लिख देना heading take the correct answers and start it. So first question is the size of the character is called. My characters ka characters ke size ko kya kehte hain. Bold, font size, sorry font size bold. लिखना है फटाफट से. ओके डैश ऑप्शन चेंजेस ऑल द कैरेक्टर्स टू स्मॉल केस. वो ऑप्शन के कौन सा ऑप्शन होता है जो हमारे कैरेक्टर्स को स्मॉल केस में चेंज करता है. अपर केस, टॉगल केस, लोअर केस. थर्ड द शॉर्टकट फॉर इटैलिक इज. इटैलिक के लिए जो शॉर्टकट कीज मैंने बताई थी इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन के लिए वही लिखनी है आपने. सो लिखिए एंड योर ऑप्शंस आर CTRL प्लस आई, शिफ्ट प्लस आई, CTRL प्लस एस. फोर्थ देयर आर डैश चेंज केस ऑप्शंस इन वर्ड. चेंज हमारे वर्ड में कितने चेंज केस ऑप्शंस होते हैं. 3, 4, 5. ओके so I'm giving you 10 seconds and the time starts now. Okay, so I hope कि आपने अपने आंसर जो हैं वो okay. Now let's see the answers.
फर्स्ट इज फॉन्ट साइज। हाँ, हमने कैरेक्टर्स के साइज को फॉन्ट साइज के थ्रू चेंज कर सकते हैं। सेकंड, लोअर केस। लोअर केस वो ऑप्शन होता है जिससे हम अपने कैरेक्टर्स को स्मॉल केस में चेंज कर सकते हैं। थर्ड, CTRL+I हमारा वो जिससे हम मेटालिक को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। देन फाइव, देयर आर फाइव चेंज केस ऑप्शंस इन फाइव चेंज केस ऑप्शंस होते हैं। ओके देन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड बिकॉज आज मैं जहाँ पे एक्चुअली शूट करती हूँ वो जगह फ्री नहीं थी, मतलब थोड़ी बिजी थी वहाँ पे। वेल, उसे छोड़ो, इसलिए मुझे दूसरी जगह करनी पड़ी शूटिंग जिसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता ही है। सो इसलिए हमारी थर्ड एक्सरसाइज है राइट शॉर्टकट कीज। फर्स्ट बोल्ड, बोल्ड के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। सेकंड, लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। थर्ड, सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। देन द फोर्थ इज अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए क्या शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद है फिफ्थ, राइट अलाइन। सिक्स्थ, इटैलिक। सो फटाफट से इन सिक्स का आंसर लिख दो। एंड ये सिक्स हैं तो इसलिए मैं आपको 15 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेन सेकंड्स बचे हैं आपके पास। 5 seconds and done. So first answer is CTRL+B. हम अपने bold के लिए CTRL+B का use करते हैं। And जो last one है italic, उसका answer तो of course आपको पता ही होगा। So second CTRL+C. हम अपने left align के लिए CTRL+C का यूज करते हैं। थर्ड, सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन में हम CTRL+E का यूज करते हैं। फोर्थ, CTRL+Q. अंडरलाइन के लिए तो सभी को पता ही होता है कि क्या यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर एक मिसप्रिंट हुआ है सेकेंड वाले में जो कि है हमारा लेफ्ट अलाइन, उसका जो आंसर है उसमें CTRL+C नहीं आएगा। CTRL+C कॉपी के लिए होता है, मैं आपको देने वाली थी बट थोड़े चेंजेस कर रहे थे, दैट्स वाई CTRL+C नहीं होता, CTRL+L होता है फॉर लेफ्ट अलाइन। ओके, सो नाउ आई थिंक सो ये अब क्लियर हो गया होगा। एंड यस, फोर्थ हमारा है राइट अलाइन, सॉरी फोर्थ हमारा अंडरलाइन, जो अंडरलाइन ये हम यूज करते हैं CTRL+U। फिफ्थ, राइट अलाइन CTRL+R। एंड सिक्स, CTRL+I। सो आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, फॉर द सिली मिस्टेक। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स एंड दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज। First, the space between the lines of text in a paragraph is called line spacing. वो space जो कि हमारे line, जो कि हमारे text की lines के बीच में होती है हमारे paragraph में, उसे हम line spacing कहते हैं। ये मैंने आपको अपने previous video पे ही समझाया था, मे बी आपको याद हो। So, second, to format text we need to dash it. हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमें सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, डैश।
आई होप थिंक सो कि मैंने सेकंड वाला आपके लिए बहुत इजी कर दिया है. सो प्लीज आंसर इट करेक्टली फॉर मी एंड ड्रॉप डाउन इट. ओके सो थर्ड डैश केस ऑप्शन रिवर्सेस द केस ऑफ एवरी लेटर. इट्स वेरी इजी, आई होप यू कैन डू इट. वो डैश केस ऑप्शन क्या करता है, जैसे हमारे जिस भी फॉर्म में हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारे टेक्स्ट होते हैं, उसे रिवर्स कर देता है. फोर्थ द टेक्स्ट हाईलाइट कलर कमांड इज इन द डैश ग्रुप. हमारे टेक्स्ट हाईलाइट कलर का जो कमांड होता है वो कौन से ग्रुप में होता है, होम टैब के कौन से ग्रुप में होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था एंड मैंने अभी आपको एक हिंट भी दे दिया. ओके देन फिफ्थ इटैलिक मींस डैश टेक्स्ट. इटैलिक में किस टाइप का टेक्स्ट आता है ये आपको लिखना है. ओके किस वे में टेक्स्ट आता है. सो द आंसर्स आर फर्स्ट इज vertical. The vertical space between the lines of text in a paragraph is called line spacing. Second, select. To format text we need to dash it. मैंने कहा था हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसे डैश करना पड़ता है. सो आई थिंक सो क्या आपने अच्छा ही दिया होगा, वह तो वीडियो अपलोड होने के बाद पता चलेगा. ओके सो थर्ड टॉगल केस ऑप्शन रिवर्सेस द केस ऑफ एवरी लेटर. फोर्थ द टेक्स्ट हाईलाइट कलर कमांड इज इन द फॉन्ट ग्रुप. देन द इटैलिक मींस द डैश टेक्स्ट स्लैंटेड टेक्स्ट. सो आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, जस्ट बिकॉज इस वीडियो में एक्सरसाइजेस थी जिसके लिए हर बच्चा बेहद ही रुकता है कि फटाफट से एक्सरसाइज वाली वीडियो है, मुझे टॉपिक से तो क्या लेना, मुझे बस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और एग्जाम जाके दे देना है. बट अब आई एम नॉट श्योर कि आपके टीचर कैसे हैं, बट प्लीज़ रिमेम्बर कभी भी टीचर आपको इंटरनल्स भी दे सकती है और अगर आप टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे आप ऑटोमेटिकली अपनी नज़रों में भी फेल ही हो जाना है अपने. सो प्लीज़ अच्छे से टॉपिक्स समझिए, इसीलिए कोई भी स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं, लास्ट में होती है ताकि आप सब समझें देन खुद आंसर करने का ट्राई करें. सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.